राजनीति में पद कोई माने नहीं रखता है। जब विचारधारा पर कोई हमला करता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा जरूर आता है। जब राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निजी होता है तो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी कैसे हो जाता है? हमारे साथ भेदभाव हो, हम चुप रहें, ये संभव नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी, फिर एमएलसी पद से इस्तीफा दिए, क्या मुख्य कारण है जो इस्तीफा आप दिए? देखिए, राजनीति में पद कोई माने नहीं रखता है। राजनीति विचारधारा की होती है। जब विचारधारा पर कोई हमला करता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा जरूर आता है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दिन से लेकर अब तक लगातार मैंने जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। कुछ मनवादी सोच के लोग समय समय पर उसी टिप्पणियाँ भी करते रहे, फिर भी मैंने संज्ञान नहीं लिया। ताजुब तब हुआ, स्वनाम धन्य एक स्वयंभू बड़े नेता, जो इत्तेफाक से पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव भी है, जब उन्होंने कहा कि मौर्य जी के निजी बयान, जब राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निजी होता है तो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी कैसे हो जाता है? यानी अगर पद में भी भेदभाव है तो मैंने तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ी है, और हमारे साथ भेदभाव हो, हम चुप रहें, ये संभव नहीं। जिसको मैंने 12 फरवरी को वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत कराया था, बात गंभीरता से नहीं लिया, तो 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से मैंने उसे लिखित रूप से अवगत कराया, जिससे कि कार्यकर्ताओं को भी सारी बातों की जानकारी हो। कल तक उन्होंने दूरभाष पर भी वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो ऐसी हालत में आज मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, और जब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया तो स्वाभाविक रूप से नैतिकता के आधार पर मुझे सदस्य विधान परिषद भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश को विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का पत्र प्रेषित कर दिया है, इस अनुरोध के साथ कि उसे स्वीकार किया जाए। और अब 22 फरवरी 2024 को कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर नई पार्टी का ऐलान होगा। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा रही है, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काश्याम जी, उनकी इस विचारधारा को मिशन के रूप में आगे बढ़ाएं। और जो मानव काश्याम जी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से सभी को समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का काम किया जाए, इस अभियान में मैं लगूंगा, और नई पार्टी के साथ नए जोश खोश के साथ, नई टीम और नई साथियों के साथ एक नई शुरुआत होगी। समाजवादी पार्टी में पीडीए के लिए भी आपको काम करते हुए देखा गया, क्या अब अपनी पार्टी बनाएंगे तो पीडीए के लिए आप काम करें तो पीडीए के जो वर्ग के लोग हैं आपके साथ रहेंगे? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए की भ्रूण हत्या खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी, इसलिए हमारी जो विचारधारा है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान की रही है,
उनकी समानुपाती हिस्सेदारी की रही है। मनोहर कांशीराम जी के नारे के मुताबिक कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी भागीदारी के मुताबिक सबके सम्मान स्वाभिमान को सुनिश्चित करने के साथ साथ हिस्सेदारी दिलाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाऊंगा और इसी पर निरंतर काम करता रहूंगा। धन्यवाद। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।